So, in this lecture, we will start the production of rotating magnetic field. बहुत important topic है और most probably basic electrical में ये चीज़ पूछा जाता है. अब देखो किस तरह से होता है, किस तरह से magnetic field produce होती है, इसी के बारे में हम इसमें discuss करेंगे. जैसे कि दो चीज़ें, एक तो है single phase supply और एक है three phase supply. अगर हम किसी भी मशीन में सिंगल फेज सप्लाई देते हैं तो वो एक पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है. पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है पल्स के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड होगी. एक बार मान लो इस तरफ गई, दूसरे बार इस तरफ आई, एक बार इस तरफ गई, इस तरफ आई. तो ये जो है, इससे अगर हम सिंगल फेज सप्लाई किसी भी मशीन में देते हैं तो जो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो उस पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से कोई भी मशीन रोटेट नहीं कर पाएगी, ठीक है. लेकिन अगर हम बैलेंस थ्री फेज सप्लाई या थ्री फेज सप्लाई किसी भी मशीन में देते हैं तो वो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, ठीक है. तो जैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में सिंगल फेज सप्लाई होती है, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में सिंगल फेज सप्लाई के कारण वो मोटर इट्सेल्फ अपने आप में टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, कारण वहां पे एक पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है. तो हम कोई ना कोई तरीका लगा करके उस पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर देते हैं, तब हमारी मोटर रोटेट कर पाती है. तो थ्री फेज अगर हम सप्लाई देते हैं तो थ्री फेज सप्लाई देने पे वो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है. तो थ्री फेज सप्लाई देने पे किस तरह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं. तो देखिए, मान लो थ्री फेज सप्लाई के लिए जैसे ये हमने आर्मेचर बना लिया, ठीक है. अब आर्मेचर में आपने जैसे पढ़ा है कि पावर जनरेशन के लिए या पावर कंज्यूम करने के लिए कम हर एक फेज में दो दो कंडक्टर होने चाहिए. मान लो आर फेज, आर डैश, इसके 120 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट के बाद वाई फेज, इसके अपोजिट में वाई डैश, फिर वाई के 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट के बाद बी फेज और बी के अपोजिट में बी डैश. ये हमने मान लो आर्मेचर बना लिया, ठीक है. अब सपोज आप इस आर्मेचर में बाहर से थ्री फेज सप्लाई दे रहे हैं. मान लो आर फेज में आपने सप्लाई दिया, वाई फेज में सप्लाई दिया, बी फेज में सप्लाई दिया, ठीक है. अब इसके साथ ही साथ हम एक रोटर बना लेते हैं, ठीक है. मान लो रोटर का पोजीशन इस समय में कुछ ऐसा है, इस तरह से आपकी रोटर है, ठीक है. अब देखिए रोटर ऐसा है, रोटर में जो हम सप्लाई देते हैं वो डीसी सप्लाई देते हैं. फील्ड में जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें मान लो हमने डीसी सप्लाई दिया, तो देखिए यहाँ पे सपोज डॉट हो गया, यहाँ पे क्रॉस हो गया, ठीक है. अब आप पहले देखो फील्ड वाइंडिंग में, आप देखिए फील्ड वाइंडिंग में आपने डीसी सप्लाई दिया है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगी, एक कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी. यहाँ पे क्रॉस करंट के डायरेक्शन में आप इन फिंगर्स को ले जाओ तो थंब की डायरेक्शन किधर जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी. तो जो फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड होगी ये कहीं ऊपर की तरफ गई. अब देखो यहां पे हम फ्लक्स की बात करेंगे या एमएमएफ की बात करेंगे, दोनों एक ही चीज है, या मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो तीनों एक ही चीज की बात हो रही है. तो यहां पे हम फ्लक्स की बात करें या एमएमएफ की बात करें या मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, तीनों एक ही चीज है, ठीक है. तो आप देखो फील्ड वाइंडिंग में आपने डीसी सप्लाई दिया तो फील्ड की अपनी एक एमएमएफ बनेगी, इसका नाम हमने दे दिया एफएफ, ठीक है. तो एमएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, एमएमएफ इज इक्वल टू होता है एन इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट. तो फील्ड की एक अपनी एमएमएफ बन गई एफएफ, ठीक है. ये हमने फील्ड में सप्लाई दिया है. अब देखो हम आर्मेचर में सप्लाई देते हैं, मान लो यहां से आपने आर फेज में सप्लाई दिया, वाई फेज में दिया, फिर बी फेज में दिया. मान लिया हमने एक कन्वेंशन ले लिया कि आर फेज में जो करंट आ रही है, आर फेज में करंट अंदर की तरफ आ रही है तो आर डैश में जो है यहां से बाहर निकल रही है, फिर वाई फेज में करंट अंदर की तरफ आ रही है तो वाई डैश से करंट बाहर निकल रही है, फिर बी में करंट अंदर की तरफ आ रही है और बी डैश में करंट बाहर निकल रही है. मतलब हर एक फेज के पहले कंडक्टर में क्रॉस हमने मान लिया और हर एक फेज के दूसरे कंडक्टर में हमने डॉट मान लिया. देखो मैंने कितनी चीजें बताई अभी तक, एक तो मैंने बताया कि फील्ड में आपने डीसी सप्लाई दिया है, फील्ड की एक एमएमएफ बन गई या फील्ड की एक फ्लक्स बन गई. चूंकि ये फील्ड की एमएमएफ है तो हमने एफ एफ से दिखा दिया, ठीक है. एफ मतलब एमएमएफ और एफ मतलब फील्ड, तो फील्ड की एमएमएफ, चाहे आप फील्ड की इसको फ्लक्स कह लो, फाइव एफ, एक ही चीज है, ठीक है.
अब हम आर्मेचर में हमने थ्री फेज सप्लाई दिया, इधर से आपने आर्मेचर में आर फेज में सप्लाई दिया, वाई फेज में सप्लाई दिया, बी फेज में सप्लाई दिया। हमने माना कि हर एक फेज के पहले कंडक्टर में करंट क्रॉस है और दूसरे कंडक्टर में डॉट है, हमने एक कन्वेंशन ले लिया, ठीक है, ये सबको क्लियर है। तो अब आप देखिए, अगर ऐसा होता है तो जो एमएमएफ की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी। अब देखो आर फेज की सबसे पहले हम बात करें तो आप देखो आर में करंट अंदर जा रही है और आर डैश से बाहर निकल रही है। फिर से देखो, आर में करंट अंदर और आर डैश से बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगी, लेफ्ट वार्ड, या फ्लक्स किधर बनेगी, लेफ्ट वार्ड, आर में अंदर और आर डैश से बाहर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई वो हो गई लेफ्ट वार्ड। तो मान लिया हमने इसको दे दिया नाम फाई आर, ठीक है, चाहे आपने इसका नाम दे दिया एफ आर, ठीक है, एमएमएफ बन गई आर फेज की। अब हम वाई फेज की बात करें तो अब आप देखिए वाई फेज में क्या है, क्रॉस, और वाई डैश में क्या है, डॉट। तो वाई में आपने करंट अंदर गई और वाई डैश से करंट बाहर निकली, तो एमएमएफ किधर बनेगी, अगेन इस तरफ ऊपर की तरफ बनेगी। और हमने इसका नाम इस तरह से, मैं इसको डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं, देखिए ये हमारी बन गई एफ वाई, ठीक है। अब बी फेज की बात करूं तो बी में है क्रॉस और बी डैश में है डॉट, तो अब इसकी एमएमएफ किधर बनेगी, इस तरफ। तो हमने इसके 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट के बाद इधर बना दिया, सपोज दिस इज एफ बी। अब देखिए आप तीनों फेज की एमएमएफ ध्यान से देखो, आर फेज से वाई फेज 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट, वाई फेज से बी फेज ये भी 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट है, तो ये सबको क्लियर है। तो अब देखिए, हमने अगर ये माना है, एक कन्वेंशन हमने लिया कि आर फेज में क्रॉस है और आर डैश में डॉट है, वाई फेज में वाई में क्रॉस है और वाई डैश में डॉट है, बी में क्रॉस है और बी डैश में डॉट है, तो आर फेज की जो फ्लक्स है या एमएमएफ है वो किधर बन गई, लेफ्ट साइड में। वाई फेज किधर बन गई, वाई में क्रॉस वाई डैश में डॉट, तो ऊपर की तरफ इधर बन गई। और बी में सिमिलरली यहां पे डॉट है और इधर है क्रॉस, तो इस तरह से आप देख ले नीचे की तरफ यहां बन गई। तो तीनों एमएमएफ जो है वो 120 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट पे हमने दिखा दिया, और फील्ड की एमएमएफ कहां है, वो यहां ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब पोल की बात करें तो यहां पे फील्ड में आपका नॉर्थ पोल हो गया और इस तरफ आपका साउथ पोल हो गया। ये बेसिक चीज है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखो इसको हमें एनालाइज कैसे करना है। हमने मान लिया कि जो आप सप्लाई दे रहे हैं वो यूनिटी पावर फैक्टर पे सप्लाई दे रहे हैं। जैसे अगर एसी की बात होती है तो एसी में आपने पढ़ा है कि पावर फैक्टर की भी बात आती है, चाहे हम यूनिटी पावर फैक्टर पे देंगे, चाहे हम लैगिंग पावर फैक्टर पे सप्लाई देंगे, चाहे हम लीडिंग पावर फैक्टर पे सप्लाई देंगे। तो मान लिया कि आर फेज में जो वोल्टेज है वी आर, इसकी वैल्यू हमने लिख दी वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो वाई फेज में क्या हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 120, और बी फेज में क्या हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 240। तो ये तो हमने वोल्टेज की बात की। अब करंट की अगर हम बात करें तो करंट मान लो हमने आर फेज में करंट लिख लिया आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। वाई फेज में हमने करंट लिख लिया आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120, और बी फेज में ये हो जाएगी आई बी दिस इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 120 या माइनस 240, एक ही बात है, ठीक है। अब हमने इसको कुछ ना कुछ ओमेगा टी की वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो सबसे आसान हमने ओमेगा टी की वैल्यू ले लिया, यहाँ पे ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई टू, आसान है इस पर एनालाइज करना। तो देखिए आप, अगर हमने ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाई टू ले ली तो आर फेज में करंट कितनी हो गई, साइन 90, तो यहाँ पे हो गया आर फेज में करंट आई एम। वाई फेज में कितनी हो गई, अब आप देखिए वाई फेज में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई एम साइन 90 माइनस 120, इसका मतलब कितना हो गया, माइनस आई एम बाई 2, ठीक है। अब बी फेज में देखिए 90 प्लस 120, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस आई एम बाई 2, ठीक है। ये क्या हो गई, तीनों फेज की करंट अगर हमने ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाई 2 ले ली। आप कुछ भी ले सकते हैं, जीरो ले सकते हैं, लेकिन जिस पर आसान है एनालाइज करना हमने उसी की बात की, ओमेगा टी की वैल्यू हमने ये ले लिया, तो हर एक फेज की करंट हमें मिल गई, ठीक है। अब हम हर एक फेज की एमएमएफ की बात करते हैं। तो अब देखो, मान लिया हमने, चूंकि थ्री फेज है तो आपने देखा था टीपीएच इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज, हमने जो पीछे बात की थी वो एक टर्म लिखा था टीपीएच, टीपीएच क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज, नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज, ठीक है। यहां पे आप देखिए आर फेज में करंट है आई एम और नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज है टीपीएच, तो एमएमएफ कितनी हो गई, आई एम टीपीएच। वाई फेज में कितनी हो गई, माइनस ऑफ आई एम बाई 2 टीपीएच, और बी फेज में कितनी हो गई, माइनस ऑफ आई एम बाई 2
इनटू टीपीएच। ठीक है, अब ये क्लियर है सबको। तो अब आप देखिए आर फेज में जो एमएमएफ है वो है आईएमटीपीएच, वाई फेज में एमएमएफ है माइनस आईएम बाई टू टीपीएच, और बी फेज में जो एमएमएफ है वो है माइनस आईएम बाई टू टीपीएच। ठीक है, अब ये जो हमने डायग्राम बनाया, एक बार हम फिर से इसको बनाते हैं, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो आप देख लो। जैसे इसमें हमने ये रोटर बना लिया, तो आप ये आर आर डैश वाई वाई डैश और ये हो गया बी बी डैश, आर आर डैश वाई वाई डैश बी बी डैश। अब आप देखिए अगर हमारा आर फेज में, अब यहां इसके अकॉर्डिंग क्या है, आर फेज में एमएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब जो हमने करंट माना है यहां पे क्रॉस और यहां पे डॉट वो सही है, मतलब यहां पे क्रॉस है और यहां पे डॉट है, और एमएमएफ की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, ये क्या हो गई एफ आर। ठीक है, फील्ड की एमएमएफ किधर थी, डॉट, और यहां पे था क्रॉस, फील्ड की एमएमएफ हमारी ऊपर की तरफ थी और ये था क्या एफ एफ। ठीक है, तो अब आप देखिए एमएमएफ जो आर फेज की है वो तो जैसा इस तरफ बन रहा था वैसा ही है, पॉजिटिव है। अब वाई फेज में देखो, वाई फेज में जो एमएमएफ है वो है माइनस आई एम बाई टू टीपीएच, माइनस आई एम बाई टू टीपीएच। अब देखिए आप अगर वाई फेज में एमएमएफ की डायरेक्शन कुछ ऐसी होती, ऊपर की तरफ होती, तब ये पॉजिटिव होता, ठीक है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू आ रही है। नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है, जो एमएमएफ होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, नीचे की तरफ होगी। तो वाई फेज में जो एमएमएफ की डायरेक्शन होगी वो किधर हो जाएगी, नीचे की तरफ, मतलब वाई फेज में इधर था तो प्लस था, तो माइनस में किधर आ जाएगा, इस तरफ आ गई माइनस, ये हो गई हमारी वाई फेज की एमएमएफ एफ वाई। ठीक है, अब बी फेज की बात करें, अगर ये इस तरफ आ रही है इसका मतलब करंट की डायरेक्शन कैसे, यहां पे क्रॉस था और यहां पे डॉट था, तो इसका जस्ट उल्टा होगा, तो क्या हो जाएगा, यहां पे क्रॉस और यहां पे डॉट, मतलब यहां पे क्रॉस हो गया और यहां पे डॉट हो गया। ठीक है, एक्चुअल में होना चाहिए था क्या, वाई में क्रॉस और वाई डैश में डॉट, तब जाकर के एमएमएफ ऊपर की तरफ होती यहां पे, लेकिन एमएमएफ माइनस है तो इसके नीचे होना चाहिए, तो नीचे हमने किया, ये नीचे कब होगी, जब वाई डैश में क्रॉस होगा और वाई में डॉट होगा। ठीक है, अब देखिए आप बी की बात करें, हम बी फेज में एमएमएफ इधर होती तो पॉजिटिव होती, लेकिन एमएमएफ क्या है, नेगेटिव, इसका मतलब इसके जस्ट अपोजिट होगी, इसके जस्ट अपोजिट होगी बी फेज में, तो बी फेज में यहां पे हमने बी में क्रॉस लिया था और बी डैश में डॉट, इसका मतलब जस्ट उल्टा होगा, बी डैश में हो जाएगा क्रॉस और बी में क्या हो जाएगा डॉट, तब जाकर के एमएमएफ की डायरेक्शन किधर आ जाएगी, कुछ इस तरफ आ जाएगी और ये हो जाएगी एफ बी। ठीक है, समझ में आया, फिर से आप देखो आर फेज में एमएमएफ पॉजिटिव है तो जैसा था हमने वैसा ही छोड़ दिया, वाई फेज में एमएमएफ नेगेटिव है मतलब जिधर होना चाहिए उसके अपोजिट हमने इधर कर दिया, बी फेज में एमएमएफ इधर होता तो पॉजिटिव होता लेकिन है ये नेगेटिव, तो जिधर है उसके अपोजिट हमने एमएमएफ को बढ़ा दिया। ठीक है, अब देखिए ये एंगल कितनी हो जाएगी और ये एंगल कितनी हो जाएगी, देखो अगर आप एफ बी को इस तरफ बढ़ा, ये एंगल कितनी है यहां से लेकर के यहां तक 120 डिग्री, ये एंगल है 120 डिग्री। ठीक है, और ये वाली एंगल भी कितनी, 120 डिग्री, और ये वाली एंगल भी 120 डिग्री। अब अगर मैं एफ बी को ऊपर की तरफ बढ़ा दूं तो ये 120 को क्या करेगा, आधा कर देगा, मतलब ये एंगल 60 डिग्री और ये वाली एंगल भी 60 डिग्री, इसको भी अगर आप अपोजिट साइड में बढ़ा देंगे तो ये एंगल 120 को आधा कर देगा, मतलब 60-60 हो जाएगी। बात समझ में आ गई, तो अब आपके पास आर फेस की एमएमएफ भी मालूम है, वाई फेस की एमएमएफ भी मालूम है और बी फेस की एमएमएफ भी मालूम है, तो क्या आप तीनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, तो हम तीनों का रिजल्टेंट निकालते हैं, देखते हैं इधर क्या होगा। देखिए आर फेस में जो एमएमएफ है वो है हमारी एफ आर, इसकी वैल्यू कितनी है, एफ आर की वैल्यू देख लो, एफ आर की वैल्यू कितनी है, आई एम टी पी एच, हमने इसकी वैल्यू यहां लिख दी आई एम टी पी एच, मतलब ये है आई एम टी पी एच। अब वाई फेज में जो एमएमएफ है वो कितनी है, आप यहां देखिए ये है एफ बी और इस तरफ है हमारी एफ वाई, ठीक है, और ये एंगल कितनी 60 डिग्री और ये वाली एंगल भी 60 डिग्री। ठीक है, और ये क्या है, यहां है हमारी फील्ड एमएमएफ एफ एफ, ठीक है, यही है। अब इस डायग्राम में अगर हम देखें तो इधर हो गई आई एम टी पी एच, एफ बी की वैल्यू क्या है आई एम बाई टू टी पी एच, आई एम बाई टू टी पी एच, और एफ वाई की भी वैल्यू है आई एम बाई टू टी पी एच। ठीक है,
तो इन दोनों का एक कंपोनेंट, इसका भी एक कंपोनेंट यहां आएगा और इसका भी एक कंपोनेंट यहां आएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ आई एम बाई टू टी पी एच कॉस 60, यही होगा ना। फिर से देखिए, इसका दोनों का जो एक कंपोनेंट इधर आएगा तो इसका भी एक कंपोनेंट हो जाएगा आई एम बाई टू टी पी एच कॉस 60, और इसका भी एक कंपोनेंट हो जाएगा आई एम बाई टू टी पी एच कॉस 60। टोटल कितनी हो गई, ट्वाइस ऑफ आई एम बाई टू टी पी एच कॉस 60। ये तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इसका वर्टिकल कंपोनेंट इधर होगा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट नीचे होगा, और दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अब अगर हम बात करें एफ रिजल्टेंट की, तो एफ रिजल्टेंट कितनी आ रही है इसके बाद, अगर आप देखो तो एफ रिजल्टेंट कितनी आ रही है, आई एम बाई टू टी पी एच, ये टू और टू तो यहां कैंसिल हो गया, कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो अगर अब आप इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये हो गया आई एम टी पी एच और ये हो गया 1/2 आई एम टी पी एच, ठीक है। इसका मतलब टोटल कितनी हो गई, 3/2 आई एम टी पी एच। तो अब अगर हम बात करें, ये अब आपकी हो गई फील्ड एमएमएफ, ये है दिस इज एफ एफ, और जो इसका रिजल्टेंट आया वो कुछ इधर आया, ये क्या हो गई एफ रिजल्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3/2 आई एम टी पी एच, और ये एंगल कितनी है 90 डिग्री, ठीक है, यही कंक्लूजन है। तो हमने क्या किया, जब आर फेज वाई फेज बी फेज तीनों फेज की एमएमएफ यहां पे लेकर के इसमें पुट किया और सारे एंगल को हमने लिया, तो इन बी फेज का और वाई फेज का जो वर्टिकल कंपोनेंट है इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। अब जो रिजल्टेंट होगा आर फेज का, वाई फेज का और बी फेज का, वो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, एफ आर की वैल्यू है आई एम टी पी एच और इसकी वैल्यू है आई एम टी पी एच कॉस 60, तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2, सो 1/2 आई एम टी पी एच प्लस आई एम टी पी एच, तो ये कितनी हो गई 3/2 आई एम टी पी एच, और एंगल कितनी हो गई एफ एफ और एफ रिजल्टेंट के बीच में 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा एक चीज और, हमने यहां माना है कि रोटर हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, मान लिया हमने रोटर की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, आई थिंक ये सबको क्लियर होगा। अब हम देखते हैं आगे, अब हमने माना कि रोटर को, नाउ रोटर इज रोटेटेड बाय, नाउ रोटर इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रोटेशन। तो अब आपने क्या किया, जो रोटर हमारी यहां पे ऊपर थी, ये जो रोटर हमारी इस पोजीशन पे थी, अब हमने इस रोटर को 90 डिग्री रोटेट करा दिया इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, मतलब क्लॉकवाइज ये 90 डिग्री रोटेट हो गई। ये वाला था हमारा नॉर्थ पोल और ये वाला था हमारा साउथ पोल, मतलब ये नॉर्थ खिसक के यहां आ जाएगा और साउथ खिसक के यहां आ जाएगा। तो डायग्राम अब क्या बन जाएगा, अब आप देखिए, तो दिस इज मान लो आर आर डैश आर आर डैश वाई, इधर वाई डैश, यहां पे हो गई बी बी डैश, ठीक है। अब रोटर हमारी कुछ यहां आ गई, ठीक है। अब ये था डॉट, ये था हमारा क्रॉस, ऐसा ही था। इस हिसाब से इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की होगी, फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड एफ एफ, ये अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खिसक गई, ये हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। ये वाला हो गया नॉर्थ पोल और ये वाला हो गया हमारा साउथ पोल, ठीक है, क्लियर है। जो रोटर हमारा इस पोजीशन में था उसको हमने क्लॉकवाइज खिसका दिया 90 डिग्री, तो अब यहां पे नॉर्थ पोल इधर आ गई, साउथ पोल इधर आ गई, डॉट डॉट इधर, क्रॉस क्रॉस इधर, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या फील्ड के एमएमएफ की डायरेक्शन इस तरफ आ गई, ठीक है। तो अब देखो, अब नाउ ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो गई, अब ध्यान दो, पहले ओमेगा टी थी पाई बाई टू, अब आपने इसको 90 डिग्री और खिसका दिया, मतलब पाई बाई टू, तो ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो गई पाई, ठीक है। तो हम आर फेस की बात करें, आई आर, तो आई आर क्या हो जाएगी, आई एम साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी। आई वाई क्या हो जाएगी, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120, और आई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 120। अब आप इन तीनों की वैल्यू निकाल लें, तो ओमेगा टी की वैल्यू, अब ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, 180, अगर साइन ओमेगा टी 180, इसका मतलब कितना, इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब आप देख लें इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई फेज में 180
ओमेगा टी की वैल्यू कितनी, 180 माइनस 120, तो इसकी आई वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 60। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 3/2 आई एम। ठीक है, अब आप दूसरे में देखें, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 प्लस 120, अब ये माइनस में जाएगी, मतलब माइनस ऑफ अंडर रूट 3/2 आई एम, ये माइनस में आ रही है वैल्यू। ठीक है, अब आप इसकी बात करो, तो अब हम एमएमएफ निकाल लेते हैं तीनों फेज की। तो अगर आर फेज में करंट जीरो तो एमएमएफ भी जीरो, वाई फेज में करंट अंडर रूट 3/2 तो यहां पे आई एम, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 3/2 आई एम टीपीएच, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ अंडर रूट 3/2 आई एम टीपीएच। ठीक है, अब इसको समझना है ध्यान से। अब देखो, आर फेज में कोई भी करंट नहीं है, आर फेज में कोई भी करंट नहीं है, इसका मतलब आर फेज की तो कोई एमएमएफ होगी ही नहीं, तो इसमें आर फेज में कोई करंट हमने नहीं दिखाया। अब वाई फेज में होना क्या चाहिए था, वाई में क्रॉस और वाई में वाई डैश में डॉट, तब जाकर के एमएमएफ वाई की किधर होती, इस तरफ, और कुछ ऐसा ही है, एमएमएफ पॉजिटिव है, मतलब वाई में क्रॉस जैसा कन्वेंशन हमने लिया था और वाई डैश में डॉट, और इसकी एमएमएफ कुछ इधर आ गई, और ये कितनी हो गई, अंडर रूट 3/2 आई एम टीपीएच। ठीक है, वाई फेज की एमएमएफ हमने दिखा दी। अच्छा, बी फेज में क्या था, बी में हम मानते थे क्रॉस और बी डैश में मानते थे डॉट, तो एमएमएफ हमारी किधर आती थी, नीचे की तरफ आती थी, लेकिन ये माइनस में है तो नीचे तो नहीं होगा, तो एमएमएफ किधर होगा, ऊपर, इसके जस्ट अपोजिट। तो बी फेज की एमएमएफ हमारी किधर आ जाएगी, कुछ इस तरफ आ जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, देखिए माइनस अंडर रूट 3/2 नीचे होता, ऊपर की तरफ गई, तो ये कितनी हो गई, अगेन अंडर रूट 3/2 आई एम टीपीएच। ये किसकी है एमएमएफ, वाई फेज की, और ये किसकी है एमएमएफ, बी फेज की। फिर से एक बार ध्यान से समझ लो, अगर आर में तो कोई है ही नहीं, वाई क्रॉस और वाई डैश डॉट, तो एमएमएफ ऊपर होता और ये पॉजिटिव है, मतलब जो कन्वेंशन हमने माना था वो सही है। अब बी में देखो, वाई बी में होना चाहिए क्रॉस और बी डैश में होना चाहिए डॉट, लेकिन तब जाकर के एमएमएफ नीचे होती, लेकिन ऐसा नहीं है, ये माइनस में है, इसका मतलब क्या होगा, बी डैश में क्रॉस और बी में डॉट, और ये किधर हो जाएगा, तब इसकी डायरेक्शन यहां पे इस तरह से है। ठीक है, तो दोनों फेज के एमएमएफ को हमने देख लिया, आर फेज में कोई भी नहीं है, तो अब इसकी रिजल्टेंट कहां होगी, अब इसकी रिजल्टेंट कहां होगी, अब आप देखिए, देखो ध्यान दो एक चीज, अगर आर फेज में एमएमएफ होती तो आर फेज की एमएमएफ कुछ यहां होती, इस तरफ होती, आर और वाई इसके बीच में एंगल कितनी होती, आर और वाई इसके बीच में एंगल कितनी होती, 120। अब अगर ये वाली एमएमएफ अपोजिट बढ़ी है, इसका मतलब ये वाली एंगल कितनी, 60 डिग्री, तो ये वाली एंगल दोनों के बीच की कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। ठीक है, तो अब इसकी जो रिजल्टेंट होगी, वो रिजल्टेंट कहां होगी, इन दोनों के बीचों बीच, तो ये वाली एंगल कितनी, 30, और ये वाली एंगल भी कितनी, 30 डिग्री। फिर से समझो, अगर यहां पे आर फेज में, समझो ऐसे, अगर आर फेज में एमएमएफ की डायरेक्शन कुछ इधर होती, एफ आर, ठीक है, तो एफ वाई हमारा इधर है, ये है हमारा एफ वाई, और एफ बी इधर ना होकर के इसके अपोजिट है, तो ये एंगल कितनी है, 120 डिग्री, 120। तो एफ वाई एफ बी इसके बीचों बीच है, तो ये वाली एंगल कितनी, 60, और ये वाली एंगल भी 60, ऐसे है। ठीक है, ये है हमारी एफ बी, ये एंगल हो गई 60 डिग्री, और इधर भी एंगल हो गई 60 डिग्री। अब जो इन दोनों का रिजल्टेंट है वो कहां है, इसके बीचों बीच, तो अब ये एंगल कितनी, ये 60 को आधा आधा कर देगा, 30 डिग्री, और ये भी हो जाएगी 30 डिग्री। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी होगी, देखो ये है हमारा कुछ इस तरह से, और ये इसकी है रिजल्टेंट, देखिए ये है एफ बी, इसकी वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3/2 आई एम टीपीएच, और ये है हमारा एफ वाई, इसकी वैल्यू है अंडर रूट 3/2 आई एम टीपीएच। ठीक है, और ये एंगल है 30 डिग्री, और ये भी एंगल है 30 डिग्री। अब दोनों का जो कंपोनेंट होगा, कोसाइन कंपोनेंट, वो तो यहां आ जाएगी, और दोनों का जो साइन कंपोनेंट होगा वो क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो रिजल्टेंट कितनी हो जाएगी, एफ रिजल्टेंट इसकी वैल्यू कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 3/2 आई एम टी पी एच कॉस ऑफ 30, यही होगा। फिर से देख लो, ट्वाइस इसका भी एक कंपोनेंट और इसका भी एक कंपोनेंट, तो 2 हो गया, अंडर रूट 3/2 आई एम टी पी एच और कॉस 30।
और फील्ड एमएमएफ और दोनों का जो है इधर वाला कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, और फील्ड की एमएमएफ ये ऑलरेडी यहां पे इस तरफ है, हमने यहां पे ऐसे रख दिया। ठीक है, तो अब इसकी रिजल्टेंट कितनी आ गई, अगर आप निकालेंगे तो ये टू टू कैंसिल हो गया, अंडर कॉस की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो ये क्या हो जाएगी, अंडर रूट थ्री बाई टू, अंडर रूट थ्री बाई टू, तो ये अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री थ्री हो गई। तो अब आप इसकी रिजल्टेंट अगर निकाल रहे हो तो इसकी रिजल्टेंट एफ रिजल्टेंट इसकी वैल्यू हो गई थ्री बाई टू आई एम टी पी एच। ठीक है, और फील्ड एमएमएफ कहाँ है, ये इस तरफ है, और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इस तरफ है, दोनों के बीच में 90 डिग्री है। बात समझ में आ गई। अब मैं यहां पे कंक्लूड करने जा रहा हूं। देखो जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन क्या क्या निकल रहा है यहां पे। पहला कंक्लूजन है कि व्हाट, आप इसको नोट करते जाना, खुद से नोट करना। फर्स्ट कंक्लूजन है, अब आप कंक्लूजन करके नोट कर लो। ठीक है, कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन है कि व्हाट एवर बी द पोजीशन ऑफ रोटर, वो पहला लिख लो आप, व्हाट एवर बी द पोजीशन ऑफ रोटर द रिजल्टेंट आर्मेचर एमएमएफ इज ऑलवेज थ्री बाई टू आई एम टी पी एच। फिर से सुन लो, व्हाट एवर बी द पोजीशन ऑफ रोटर द रिजल्टेंट आर्मेचर एमएमएफ इज ऑलवेज थ्री बाई टू आई एम टी पी एच। अब ये कैसे होता है देख लो। अब आपने रोटर को चाहे 90 डिग्री क्लॉकवाइज में घुमा दिया, चाहे आपने रोटर को नॉर्मली रखा, तो इस समय भी रिजल्टेंट आर्मेचर एमएमएफ 3/2 आई एम टी पी एच है, और इस समय भी हमारी रिजल्टेंट आर्मेचर एमएमएफ 3/2 आई एम टी पी एच है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर है कि वॉट एवर बी द पोजिशन ऑफ रोटर द रिजल्टेंट आर्मेचर एमएमएफ इज ऑलवेज 3/2 आई एम टी पी एच। सेकेंड, अब आप देखिए जिस समय रोटर का पोजिशन यहां था उस समय भी जो रिजल्टेंट आर्मेचर एमएमएफ है वो इससे 90 डिग्री पीछे थी। ठीक है, और जब हमने रोटर को 90 डिग्री आगे खिसका दिया उस समय भी रिजल्टेंट आर्मेचर एमएमएफ इससे 90 डिग्री पीछे है। इसका मतलब क्या हो गया, सेकेंड पॉइंट आप नोट कर लो, द रिजल्टेंट आर्मेचर एमएमएफ इज लैगिंग बाई फील्ड एमएमएफ बाई एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। The resultant armature MMF is lagging the field MMF by an angle of 90 degree in the direction of rotation. इसका मतलब क्या है, फील्ड एम एम एफ आगे आगे चल रही है और रिजल्टेंट आर्मेचर एम एम एफ इसके पीछे पीछे चल रहा है। अगर फील्ड एम एम एफ को आगे आपने 90 डिग्री आगे खिसका दिया तो रिजल्टेंट आर्मेचर एम एम एफ भी 90 डिग्री आगे खिसक गई। तो सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, रिजल्टेंट आर्मेचर एम एम एफ इज लैगिंग द फील्ड एम एम एफ बाई एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो सेकेंड पॉइंट क्लियर है। अब थर्ड में हम कंक्लूड करते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है, अब अगर हम फील्ड को, ये जो हमारी फील्ड है, अगर इस फील्ड को हम सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कराएं, ध्यान से समझो, अगर इस फील्ड को हम सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कराएं तो जो हमारी रिजल्टेंट आर्मेचर एम एम एफ है ये कहाँ जाएगी, ऑब्वियस है ये भी इसके पीछे पीछे सिंक्रोनस स्पीड पर ही 90 डिग्री पीछे पीछे रोटेट करेगी। क्लियर है, तो आप तीसरा पॉइंट लिख लें, इफ द फील्ड इज या फील्ड एमएमएफ इज रोटेटेड एट सिंक्रोनस स्पीड, इफ द फील्ड एमएमएफ इज रोटेटेड एट सिंक्रोनस स्पीड द रिजल्टेंट आर्मेचर एमएमएफ विल, द रिजल्टेंट आर्मेचर एमएमएफ विल ऑल्सो रोटेट एट सिंक्रोनस स्पीड एंड इट विल लैग द फील्ड एम एम एफ बाई एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, इट विल लैग द फील्ड एम एम एफ बाई एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। सो दिस इज द कंक्लूजन। इसका मतलब क्या है, और आपको पता है कि सिंक्रोनस मशीन में अगर आप फील्ड को हमेशा किस स्पीड पर रोटेट कराते हैं, सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट कराते हैं, तो अगर ये फील्ड आपकी सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करेगी, इसका मतलब जो रिजल्टेंट आर्मेचर एम एम एफ है वो भी सिंक्रोनस स्पीड पर हमेशा रोटेट करेगा। ठीक है, सो दिस इज द कंक्लूजन। और इस तरह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मशीन में प्रोड्यूस होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको तैयार कर लेना है, लॉन्ग टाइप में पूछा जाता है, और इसका डेरिवेशन आपको एक बार दो बार तीन बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको डिराइव कर लोगे। लास्ट में डेरिवेशन के बाद आपको कंक्लूजन जरूर लिखना है। ठीक है, तीनों कंक्लूजन आप लिखेंगे, पहला कि आपने वॉट एवर बी द पोजिशन ऑफ रोटर, रोटर की कोई भी पोजिशन हो, रिजल्टेंट आर्मेचर एमएमएफ हमेशा 3/2 आई एम टी पी एच है,
ठीक है। सेकेंड पॉइंट में अगर रोटर हमारी अगर हम रिजल्टेंट आर्मेचर एमएमएफ जो है वो हमेशा फील्ड एमएमएफ से 90 डिग्री लैग करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, मतलब फील्ड एमएमएफ आगे आगे चलेगी और रिजल्टेंट आर्मेचर एमएमएफ उसके पीछे पीछे 90 डिग्री पीछे पीछे चलता रहेगा, ठीक है। थर्ड में अगर हमने फील्ड एमएमएफ को सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करा दिया, अगर हमने इसको सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करा दिया तो रिजल्टेंट आर्मेचर एमएमएफ ये भी हमारी सिंक्रोनस स्पीड पे इसके पीछे पीछे 90 डिग्री रोटेट करती रहेगी। सो दिस इज हाउ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन थ्री फेज मशीन्स, ठीक है। तो आप इसको करो, फिर कोई डाउट हो तो आप पूछना। थैंक यू।